अगर आपको लगता है कि रात के आसमान को आप ही निहार सकते हैं, इनसे मिलिए। ये हैं डंग बीटल यानी गोबर के कीड़े, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। इस गोबर के कीड़े के अंतरिक्ष के साथ किए गए कारनामों को देखकर आप हैरान हो जाओगे। हम इंसानों की आंखें तो सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं, लेकिन जानवरों की आंखें लाइट के कुछ ऐसे भाग को भी देख सकती हैं जिसे हम नहीं देख सकते। ऐसे में इन जानवरों के लिए ये दुनिया बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। हमारे लिए ये दुनिया रंगीन है, तो कुछ जानवर ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जी रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इन जानवरों की आंखों से ये दुनिया और ब्रह्मांड कैसा दिखता है। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, एक अंधे इंसान के लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग है, उसके लिए विजिबल दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अंधे नहीं हो, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि हम सब भी अंधे हैं। हम प्रकाश के कुछ भाग को ही देख पाते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, यानी सतरंगी दुनिया को ही हम देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश का एक काफी बड़ा भाग अपने अंदर अतरंगी दुनिया को छुपाए हुए है, जिसे हम नहीं देख सकते। इस सतरंगी दुनिया में जीते हैं हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद अलग अलग जानवर, जैसे कि गाय, घोड़ा और कुत्ते बिल्ली। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ली की। एक बिल्ली की आंखों से दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो दोस्तों, एक बिल्ली को रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। एक बिल्ली ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में दुनिया को देखती है। बिल्ली का नाइट विजन हमसे 6 गुना ज्यादा है। ये लो लाइट में चीजों को आसानी से देख सकती है। एक बिल्ली यूवी लाइट को भी देख सकती है। ऐसे में बिल्ली आसमान में हमसे ज्यादा तारे देख पाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें एक मेंढक की, तो मेंढक को दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा, तो मेंढक को वही चीजें दिखाई देती हैं जो हिलती डोलती हूँ। अगर कोई चीज स्टैटिक हो, तो मेंढक को वह दिखाई नहीं देती। अगर मेंढक को नाइट स्काई दिखाया जाए, तो मेंढक को रात का आसमान धुंधला नजर आएगा, या हो सकता है कि उसे यह दिखाई ही ना दे, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक है। अगर हम समुद्री जीवों की बात करें, तो मछलियाँ हम इंसानों की तरह लगभग सभी कलर देख सकती हैं। लेकिन एक ऐसी मछली भी है जो ब्लैक एंड व्हाइट यूनिवर्स में रहती है, यानी जो किसी भी कलर को नहीं देख सकती सिवाय ब्लैक एंड व्हाइट के। ये मछली कोई और नहीं बल्कि समुद्र की सबसे खतरनाक प्रेडेटर शार्क है। शार्क मछली को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अगर शार्क नाइट स्काई को देख पाए, तो उसे ये भी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। हमारी लिस्ट के अगले मेंबर रेप्टाइल्स की बात करें, यानी सांपों की, तो सांप की आंखें हैं ही नहीं, बल्कि ये थर्मल ग्लास की तरह है। ये सिर्फ हीट को डिटेक्ट करती है। इस वजह से सांप के लिए दुनिया सिर्फ रेड, ऑरेंज और येलो कलर नहीं होती है, यानी सांप गर्म चीजों को डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं। अगर उनके सामने ठंडी चीजें होंगी, तो सांप को पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में अगर सांप को नाइट स्काई दिखाया जाए, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम कह सकते हैं कि सांप के लिए अंतरिक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम बात करें गिरगिट की, तो ये गिरगिट को लगभग दुनिया हमारी ही तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके पास एक अलग शक्ति होती है। एक गिरगिट अपनी दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है और एक समय में दो चीजों पर एक साथ फोकस कर सकता है। ऐसे में एक गिरगिट भी लगभग हमारी ही तरह नाइट स्काई को देख पाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों आंखों से अलग अलग स्टार्स को देख पाएगा। आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद डायनासोर की बात करें, तो डायनासोर के पास बाइनोकुलर विजन होता था, यानी वे दूर से किसी जानवर को देखने में सक्षम थे, जैसे हम इंसान दूरबीन से देखते हैं। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद इनकी उड़ने वाली प्रजाति ही आगे चलकर बर्ड्स के रूप में इवोल्व हुई, और बर्ड्स के पास भी दूर से देखने का विजन होता है। अगर हम बात करें कबूतर की, तो ये काफी ऊंचाई से धरती पर पड़े दाने को आसानी से देख सकती है। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि कबूतर नेविगेशन के लिए धरती पर की मैग्नेटिक फील्ड की भी मदद लेते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें, तो इन सब का राजा है ईगल यानी बाज। एक बाज की नजर काफी जबरदस्त होती है। ये हमारी तरह सभी कलर्स देख सकते हैं, साथ ही ये यूवी रेज को भी देख सकते हैं। यूरेन में यूरिया होता है, जो कि यूवी लाइट में चमकता है, इसलिए जमीन पर दौड़ रहे एक चूहे की यूरिन को डिटेक्ट करके चूहे को काफी ऊंचाई से बाज देख लेता है,
और उसे पलक झपकते ही पकड़ लेता है। एक बाज 1.5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस कर सकता है। अगर हम डंग बीटल के पास चलें, यानी गोबर के कीड़े की आंखों से दुनिया देखें, तो ये भाई साहब पोलराइज लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी आकाशगंगा की मदद से रात में अपना रास्ता खोजते हैं। दोस्तों, इन कीड़ों की आंखों से तारे किसी पॉइंट साइज में नहीं दिखेंगे, बल्कि तारे को ये किसी ग्लोब की तरह देखते हैं। ये डिम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये हमारी गैलेक्सी को देख सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने जब इन पर रिसर्च की तो पाया कि रात के समय में मिल्की वे गैलेक्सी की लाइट का इस्तेमाल करते हुए ये गोबर के कीड़े स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, यानी मिल्की वे की लाइट को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप चौंक जाओगे अगर आप एक चूहे की नजर से दुनिया को देखोगे, और आपके लिए समझना आसान होगा कि आप एक चूहे को इतनी आसानी से क्यों नहीं पकड़ सकते। एक चूहा भी बिल्ली की तरह रेड लाइट को नहीं देख पाता। इसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में होता है, लेकिन दुनिया को ये ब्लर विजन से देखता है। चूहे अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और एक समय में दो चीज पर फोकस कर सकते हैं। इसी वजह से चूहे आसानी से हमारी पकड़ में नहीं आते। दोस्तों, अगर हम बात करें एक डॉग की, तो एक डॉग रेड और ऑरेंज कलर को नहीं देख सकता, बल्कि उसके लिए दुनिया ब्लू और वायलेट शेड में होती है। अगर एक डॉग को नाइट स्काई दिखाया जाए तो प्रोबेबली वो उसे ब्लू और वायलेट शेड में देख पाएगा, यानी ये उसके लिए काफी ब्यूटीफुल होगा। इसके बाद अगर घोड़े की आंखों से दुनिया को देखें, तो ये एक अलग ही दुनिया में जीता है। इनके लिए दुनिया ग्रे, येलो और ब्लू शेड में होती है, और न सिर्फ सामने बल्कि ये पीछे भी देख सकते हैं, यानी इनके पास 340 डिग्री का विजन होता है। यही वजह है कि घोड़े की आंखों के आजू बाजू में आंखों को इस तरह के ब्लॉक किया जाता है ताकि वो सिर्फ सामने फोकस कर पाए। लेकिन घोड़े की विजन में एक दिक्कत है, इसकी आंखें साइड में होने की वजह से इसका विजन बीच में ब्लॉक रहेगा, जैसे कि ये किसी खिड़की से देख रहा हो। अगर घोड़े को नाइट स्काई दिखाया जाए तो इसे अंतरिक्ष का खिड़की विजन दिखाई देगा, जो कि परहैप्स ग्रे, येलो और ब्लू शेड में दिखाई देगा। अगर हम बात करें सबसे जबरदस्त विजन की, यानी मच्छर मक्खी की आंखों से दुनिया को देखें, तो इसमें आपको एक सुपर पावर मिलेगा। इनकी आंखें हजारों लेंसेस से बनी होती हैं, जिन्हें ओमिडिडियम कहा जाता है। ये यूवी रेज को देख सकती हैं और साथ ही ये चीजों को काफी स्लो मोशन में देख सकते हैं, जो कि इनकी सुपर पावर है। इस स्थिति में इनके लिए लगभग टाइम फ्रीज जैसा हो जाता है, मतलब अगर आपको इनका विजन और स्पीड मिल जाए तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि मच्छर और मक्खी को मारना इतना मुश्किल क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग जानवरों की आंखों से दुनिया को देखने के बाद क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि आखिर वास्तव में सच क्या है? जो हम देख रहे हैं सच वो है या जो ये जानवर देख रहे हैं? अगर हम शार्क की तरह ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में होते तो हम शायद ही कलरफुल दुनिया का अस्तित्व मानते। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होगा अगर हम सभी कलर्स की लाइट को देख पाएंगे, यानी हम यूवी, एक्सरे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, गामा रेज, इन सब को देख पाए तो हमें क्या दिखाई देगा? अगर हमारी आंख इन सभी लाइट को देख पाए और हमारा ब्रेन अगर सभी लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कर पाए, तो आप पागल भी हो सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ इन सभी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देगा। ऐसे में हमारे दिमाग को भी इवोल्व होना पड़ेगा ये जानने के लिए कि सभी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने पर हम क्या देख पाएंगे। अगर इवोल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जानवरों की आंखें उनके सराउंडिंग वातावरण की कंडीशन के अनुसार इवोल्व हुई है। ऐसे में जिन प्लैनेट्स पर जिस लाइट की मौजूदगी ज्यादा है, वहाँ के जीवों की आंखें हमसे बिल्कुल अलग होंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा अगर हम प्रकाश की सभी फ्रीक्वेंसी को देख पाए? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।